बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट के हमने एक्सरसाइज 8.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पहली वीडियो में डिस्कस किया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 आज देखते हैं। पहले कमला बोरोड 26,400 रुपीज फ्रॉम ए बैंक टू बाई ए स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड 4 मंथ। 2 साल 4 महीने के बाद उसने कितना अमाउंट पे करना होगा, जबकि प्रिंसिपल इतना हो गया और ये आपका रेट हो गया, ठीक है। तो पहले आप क्या 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिएगा, उसके बाद 4 महीने का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास हो जाता है ₹26,400, रेट हो गया 15% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ये जरूर लिखना चाहिए, कंपाउंडेड एनुअली। और टाइम हो गया आपके पास 2 ईयर एंड 4 मंथ, ठीक है बच्चों, 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। तो पहले मैं क्या करूंगा, 2 साल का इसका अमाउंट निकालूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट से, ठीक है। तो फर्स्ट वी फाइंड अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपके पास फार्मूला है A=P(1+R/100)n, याद है आपको, n मीन्स t, टाइम। तो p हो गया आपके पास प्रिंसिपल 26,400, 1+R हो गया 15/100 और कितने का 2 ईयर्स का। तो आप इसे पहले सिंप्लीफाई करो, 26,400 × 5 से इसे मैं सिंप्लीफाई करूँ, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, तो ये बन गया 23/20 2। तो ये हो गया बच्चों 26,400 × 23/20 × 23/20। इसे कैलकुलेट करता हूँ, देखिए ये 2 जीरो तो कट गई आपकी, इससे 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 24, कितना बचा 2, और फिर 24 हो गया तो 4 × 6 = 24, कितना बचा 2, और फिर 4 × 6 = 24, तो 66। तो ये हो गया बच्चों 66 × 23 × 23 से कैलकुलेट करना होगा, ठीक है बच्चों। ये कैलकुलेशन मैंने की, देखो इसका जो है आपका इनका मल्टीप्लीकेशन आ गया 34914। तो इतना अमाउंट उसके पास बना 2 साल के बाद। हमसे क्या पूछा था, 2 साल 4 महीने, ठीक है। तो पहले अब हम क्या करेंगे, नाउ फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4 मंथ्स, 4 मंथ्स कहो या 4/12 ईयर्स, 1/3 ईयर्स। 1/3 ईयर के लिए हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अब ध्यान रखना, अब प्रिंसिपल ये होगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना, PRT/100, ठीक है। तो P हो गया आपके पास अब 34914, R हो गया वही 15, टाइम T आपके पास हो गया कितना 1/3 ईयर अपॉन कितना 100। कैलकुलेट करूं 3 × 5 = 15, 5 से इसे भी मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, तो कितना हो गया 20। अभी देखिए ये बन गया बच्चों 3491.4/2, मैंने 10 से उसे डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 1 बचा था ना 11 हो गया, 2 × 5 = 10, अब फिर 1 बच गया और ये हो गया 2 × 7 = 14। तो ये आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला किस पे, इस अमाउंट पे 4 महीने में। तो टोटल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स एंड 3 मंथ्स,
समझ रहे, तो कितना 34914 प्लस 1745.7, ठीक है। अभी इन्हें ऐड कर देता हूँ मैं, तो बच्चों ये आ गया आपके पास में 366.7। इतने रुपये हुए दो साल में जो उसे पे करने होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। पहले उसका क्या निकाल लो, दो साल का हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया, फिर चूंकि ये 1/3 ईयर पूरा साल नहीं है तो इसके लिए हमने उसका सिंपल इंटरेस्ट देख लिया। बस ध्यान देने की बात ये होगी कि अब प्रिंसिपल कौन होगा जो दो साल के बाद उसका पूरा बना था, चूंकि कंपाउंडेड क्या है, एनुअली, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इसमें थर्ड, फेबिना बोरोज रुपीज 12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा, एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाई हाउ मच। तो आपने ये देखना होगा कि किसने कितना इंटरेस्ट पे किया और किसका इंटरेस्ट ज्यादा था, ठीक है। फेबिना ने ये लिया, तो पहले फेबिना का हम निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फेबिना बोरोड 12,500 रुपीज एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो मैं 3 साल का इसका सिंपल इंटरेस्ट आपको निकाल कर बताता हूं। ऐसा ही जानते हो ना, PRT/100। पी आपने बताया कितना, देखिए 12,500, रेट कितना 12%, टाइम टी कितना 3 ईयर्स, अपॉन कितना हो गया बच्चों 100। कैलकुलेट करोगे ये 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब 125 × 12 × 36, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बच्चों आ गया 4500 रुपीज। इतना सिंपल इंटरेस्ट हो गया मल्टीप्लाई करके 3 साल में, अगर फेबिना ने ये सिंपल इंटरेस्ट पर लिए थे। अब राधा ने किस पे लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। राधा बोरोड सेम अमाउंट कितनी, रुपीज 12,500 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, बात समझ रहे, कंपाउंडेड एनुअली फॉर द सेम टाइम पीरियड, यानी फॉर 3 ईयर्स। तो अब देखिए आप, प्रिंसिपल ये हो गया, रेट इतना हो गया, टाइम 3 ईयर्स हो गया, पर अब कौन सा लगेगा बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला, E=P×1+R/100n। पी हो गया 12,500 × 1+R, रेट हो गया अब 10% / 100, और n हो गया कितना 3 ईयर्स, 10 ये कैंसिल हो गई, तो ये बन गया बच्चों 12,500 × 10^+1 11/10^3, तो ये बन गया बच्चों 125 × 11/10 11/10 11/10, ठीक है, क्यूब। ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो गई, देखो सीधी डायरेक्ट है ना, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अभी लो, तो बच्चों ये कैलकुलेशन मैंने की, इसकी देखिए ये आ गया 16637.5, ठीक है, आप भी कर लेना, ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है ना, उसे तो कर ही सकते हैं। तो अब आप देखो ये अमाउंट उसका बना 3 साल के बाद, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये बन गया आपका 16637.5 माइनस 12,500, ठीक है, इसे माइनस कर देते हैं कितना 37.5, ठीक है। अब आप देखो
किसने इंटरेस्ट ज्यादा पे किया। तो बच्चों ये देखिए, आप दोनों का इनका कंपैरिजन कीजिएगा तो फेबिना ने ज्यादा इंटरेस्ट दिया, ठीक है। कितना ज्यादा दिया तो आप कहेंगे फेबिना पेज मोर इंटरेस्ट। कितना ज्यादा दिया, 4500 -41375, ठीक है। इसमें से इसे माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, इसे माइनस कर दूंगा तो ये आ गया 362.5 रुपीज, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप कितने भी क्वेश्चन करिए वो इसी तरीके से आप करते चले जाइए। तो आज आप कितने कर लोगे होमवर्क में, 4, 5, 6, तीन क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हुए इसे पूरा कर देंगे। और यहाँ तक आपका इसका PT1 का सिलेबस भी है, कौन कौन से चैप्टर आएंगे उसमें, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चार चैप्टर ही आएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।